Let's have an exercise of unseen passage given in your textbook, Golden Rays. Read the passage carefully and answer the questions given below. First of all, we are supposed to read this unseen passage very carefully. Under the influence of influence means effect. Influence of English education and the line of analytical and scientific thought, analytical and scientific thought, rationality and conceptual thinking, young Narendra in his college days turned agnostic for some time. Agnostic means to be in a situation in someone doubts the existence of God. वो सिचुएशन वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें कोई शख्स गॉड के एग्जिस्टेंस पर डाउट करता है, उसको शक होता है, वो क्लियर नहीं है, उसको यकीन नहीं होता है, वो रिलीजन में बिलीव तो करता है लेकिन उसको हल्का सा डाउट है, शक है, शुभा है. ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू टेस्ट, दिस इज टेस्ट नॉट टेस्ट, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द स्पिरिचुअल टीचिंग. और वो स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो आज तक उन्होंने हासिल की थी उसको टेस्ट करना चाहते थे. तो ये 2 or 3 लाइन्स को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये पैसेज स्पिरिचुअलिज्म और गॉडलीहुड गॉडलीनेस के बारे में है और इसका ताल्लुक विवेकानंद से है जिसका नाम नरेंद्र है. ही कन्फ्रंटेड मीन्स came face to face, came in front of also can be said. He confronted, तो जो नए words आ रहे हैं उनको भी underline किया जाए, उनके word meanings को पता करने की कोशिश की जाए. जो new words हैं उनके sentence, उनका use, उनका function देख के हम identify कर सकते हैं कि इसका meaning क्या हो सकता है. Many religious teachers with his questions, उन्होंने बहुत सारे religious teachers से मुलाकात की, उनके सानिध्य में गए और एक ही question पूछा, have you seen God? क्या तुमने God को देखा है? How silly this question. Education opens the door. Education does not leave a person in lurch. Education does not make a person in a doubtful situation. If education does not open the door, it is not education. But was not that is satisfied with their explanation or reasoning and was in search of someone who had seen God face to face. किसी के भी question and किसी के भी answer से विवेकानंद को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और वो अब भी किसी और शख्स की तलाश में थे जिसने गॉड को फेस टू फेस देखा हो. एहसास करने की चीज़ें देखी नहीं जाती. ही मेट सच ए पर्सन इन श्री रामकृष्ण, और ऐसे शख्स को पाया उन्होंने रामकृष्ण में. हु रिप्लाइड, यस माई बॉय, माई चाइल्ड, आई हैव सीन गॉड एज आई सी यू. हाँ, मैंने गॉड को देखा जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ. But more intensely, लेकिन थोड़ा और करीब से, बहुत गहराई से, deeply, I talk to God, I have talked to you, or to God more intimately than I am talking to you. और मैं God से उतनी intimacy के साथ में, उतने depth में, उतने करीबी से बात करता हूँ जिससे तुम से बात कर रहा हूँ. About the faith in God. God में faith के बारे में स्वामी विवेकानंद said, at the Chicago Parliament of Religions, whatever may be the position of philosophy, philosophy यानी दर्शन शास्त्र का कुछ भी कहना हो, उसका भले ही कुछ और opinion हो, whatever may be the position of metaphysics, metaphysics means study of spiritualism, रहस्यमयी, पारलौकिक, eternal चीज़ों के बारे में study करना, research करना, so long as there is such a thing as weakness in the human heart, जब तक human heart में weakness, कमजोरी जैसी चीज़ है, so long as there is a cry going out of the heart of man in his very weakness, और उसी दर्द की वजह से जब तक हृदय, मानव हृदय में, human heart में
पुकार रहेगी, दर्द रहेगा, देर शैल बी अ फैथ इन गॉड, तब तक गॉड में फैथ बाकी रहेगा। इनका मानना है, ये ओपिनियन है इनका, याद रखें, बिकॉज इनको इन्वर्टेड कॉमा में पुट किया गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है उनका, क्योंकि ये अनसीन पैसेज जो दिया गया है उसमें ये मैन आइडिया या मैन थीम भी हो सकता है, विवेकानंद की जो थिंकिंग है गॉड के बारे में वो भी पूछी जाए, तो हम इसका आंसर इन वर्ड्स को लिख के दे सकते हैं। तो इनका ओपिनियन था कि जब तक मानव हृदय में दर्द है और उस दर्द में पुकार है, आह है, तब तक ह्यूमन हार्ट में फैथ है गॉड के बारे में, ये इनका ओपिनियन है। सो नाउ वी हैड स्टडीड, वी हैव ऑब्जर्व्ड, वी हैड गॉन थ्रू द अनसीन पैसेज केयरफुली, नाउ लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस। व्हाई डिड स्वामी विवेकानंद बिकम डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? विवेकानंद साहब डाउटफुल क्यों हो गए? ये क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें ध्यान में रखना है कि इनके आंसर भी हमें फाइंड करने हैं। दो दिस पैसेज इज वेरी ईजी, क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, बट अगेन वी आर सपोज टू रीड इट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि एक बार पैसेज को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़ें और दोबारा से उस पैसेज को पढ़ा जाए, अब उनके आंसर की तलाश में। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ विवेकानंद टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल टीचिंग्स? जैसा कि हमने बताया था कि स्पिरिचुअल टीचिंग्स के बारे में उनका ओपिनियन क्या था, ये क्वेश्चन भी इसमें आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड श्री रामकृष्ण सेटिस्फाई विवेकानंद? विवेकानंद को कैसे सेटिस्फाई किया रामकृष्ण ने? नंबर फोर, व्हाट वाज द एसेंस ऑफ द स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड एट द शिकागो कॉन्फ्रेंस? शिकागो के कॉन्फ्रेंस में जो स्पीच दिया गया था उसका एसेंस, उसका मेन पार्ट क्या था, ये बताइए। नंबर फाइव, द वर्ड एग्नोस्टिक मीन्स, इट इज़ क्वाइट ईजी, जैसा कि पहले ही बता दिया गया था, अ बिलीवर इन रिलीजन, अ क्रिटिक ऑफ रिलीजन, अ पर्सन डाउटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नंबर फोर, एन एडमायरर ऑफ रिलीजन, ये भी नहीं है, आंसर इज सी। द वर्ड मेटाफिजिक्स मीन्स फिजिकल साइंस, स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, और द थर्ड ऑप्शन इज स्टडी ऑफ मेटल्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स, द राइट आंसर गोज टू विद ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। राइट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ये वोकेबुलरी वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है अनसीन पैसेज में, कि आपको कुछ वर्ड्स या फ्रेज दिए जाएंगे जिनका आपको अपोजिशन, यानी जिनके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी द वर्ड्स विच हैज़ द अपोजिट मीनिंग, विरोम शब्द, डिफरेंट मीनिंग जो है उसका अपोजिट, तो विरोम शब्द भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स जिनको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर की टर्म में, और सिनोनिम्स यानी द वर्ड्स विच हैज़ द सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स, तो ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार या कंपल्सरीली पूछे जाते हैं। सो वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई द वर्ड मीनिंग्स विच आर न्यू टू अस। यहाँ क्वेश्चन किया गया है कैम फेस टू फेस, जैसा कि पहले बताया गया था, कॉन्फ्रंटेड, बी डियरली, इंटीमेटली, सो दीज आर द क्वेश्चंस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली जस्ट बाय रीडिंग दिस पैसेज केयरफुली। नाउ यू आर सपोज टू comprehend different kind of unseen passages from your books, from your refreshers, from your reference book. Unseen passage वाले portion को बहुत बेहतर करने का एक suggestion ये दिया जाता है कि आप बहुत सारी readings करें, ताकि आपके लिए जो unseen passage है, हो सकता है वो आपके लिए seen passage बन जाए, और आप उसकी theme को या main idea को पहचान पाएँ, और उसके questions को बहुत आसानी से आप लिख पाएँ। और याद है कि questions के answer लिखते दौरान अपने words, own words का use करना है, so that it can be attractive and interesting to be read.